झमेले हर दिन मसले नए नवेले नोटी नोटी हर शरारत कैसे कैसे खेल खेले शोर शराबा टॉप पर है घर नहीं ये चिड़िया घर है सारे ड्रामे सब हंगामे एवरीडे है ब्रांड न्यू बच्चा पार्टी ऑन है हर पल मची हुई जैसे वेजिटेबल ऑयल के लिए वेजिटेबल ऑयल निकाला जाता है कॉर्न ऑयल के लिए कॉर्न से ऑयल निकाला जाता है तो बेबी ऑयल के लिए कहाँ से ऑयल निकालते हैं शायद बेबी से नहीं नहीं है मतलब बेबी को निचोड़ के ऑयल निकाला जाता है अरे मुझे नहीं पता तुम आलू काटो दांतों से छुरी से मनाहिल हम ऐसा करते हैं कि मिल के आलू की भुजिया बनाते हैं देख बना ली है नहीं नहीं क्यों हाँ तो हम मिलके क्यों बना रहे मैं अकेले बना लूंगी अच्छा तुम आलू की भुजिया बनाओगी याद है एक दफा तुमने आलू की भुजिया बनाई थी उसमें इतनी मिर्चें झोंक दी थी कि कानों से धुआं निकल आया था लेकिन खाते तो मुंह से है ना हेलो हेलो अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए अरे वो रात भर शावेज भी नहीं सोए और ना ही मुझे सोने दिया डैड ऑफिस आप गए थे क्या शावेज मैं गया था ऑफिस लेकिन झूमता हुआ गया और जाते ही गुड़ सो गया आप ऑफिस में सो गए हाँ और इसी बात पे बॉस से झगड़ा हो गया बॉस तब गए कहने लगे जाओ जहन्नुम में जाओ मैंने कहा अच्छा ठीक है सीधा घर आ गया आपके कहने का मतलब है कि जन्नत जैसा घर जहन्नुम है और हम आपको सजा देने वाले फरिश्ते लगते हैं नहीं 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 तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो हालांकि तुम बिल्कुल सही समझ रही हो लेकिन तुम गलत समझ रही हो डैड आप बहुत थके भी लग रहे हैं आप ऐसा करके आप जाके सो जाए गुड आइडिया मैं यहाँ सोने ही आया हूँ आप क्या चूल्हे पे सोएंगे या पतीले के अंदर ओह मैं काउच पे सो जाता हूँ लेकिन खुदा के लिए प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे क्योंकि आज मुझे सिर्फ सुकून चाहिए सुकून मॉम क्या शाविस पूरी रात नहीं सोया अरे उल्लू है सारी रात जागता है और सारा दिन सोता रहता है तुम खैर ये बातें बनाना बंद करो और खामोशी से आलू काटो अपने डैड को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना ये आलू काटने से कौन सा कोई शोर होगा जो मैं डैड को डिस्टर्ब करूं डैड घर पर है डैड डैड बेटा आई एम हाफ डेड मतलब ये कि मैं सो रहा हूँ आप सोते में बोल रहे नहीं मैं जागते में बोल रहा हूँ तो अभी तो आपने कहा कि मैं सो रहा हूँ ओ भाई तुम नहीं मैं सो रहा हूँ डैड इस वक्त आप जागे हुए हैं क्यों मिला वजह पका रहे हो मुझे बेटा डैड यहाँ कोई देर नहीं है और मैंने आपको उसके अंदर डाला नहीं ताकि आप उबल जाएं रयान हो गया रयान तो कब से हो गया और बड़ा भी हो गया तो देखे बच्चे चला जाओ मैं सोने दे डैड एक छोटे से काम था स्कूल से आ रहा तो वापस छोड़ आऊं क्या उर्दू के मिस ने हमें एक अजीब सा टॉपिक दिया मज़मून लिखने के क्या अजीब सा टॉपिक है जल्दी से बताओ मुझे सोना है बताओ बताओ झूठे का मुंह काला झूठे का मुंह काला ये तो टॉपिक ही गलत है हाँ ना मुझे एक बात बताओ तुमने कितने सारे सियासतदान देखे कभी किसी का मुंह काला देखा टीवी पर नहीं सब गोरे आते सी तो टॉपिक गलत हुआ ना फिर भी समझ नहीं कैसे बेटा ये बताओ तुम कितना झूठ बोलते हो बहुत आईने में देखा अपना मुंह कभी काला नजर आया नहीं यही तो कह रहा हूँ बेटा टॉपिक गलत है जाके चलो जाओ मुझे सोने दे अरे डैड डैड रयान क्यों उठा रहे हो अपने डैड को क्यों उठाई ना लूं इतने बड़े मेरे गोद में थोड़ी ना रहेंगे मेरा मतलब है उनको सोते से क्यों जगा रहे हो अभी जागी मुझे क्यों भाई आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं
दोनों के बीच में हूँ। हम दोनों के बीच में? अरे सोने और जागने के बीच में, खुदा के लिए से ले जाओ। किसे, सोने को या जागने को? अरे इस गधे के बच्चे को, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ही है। एनीवेज तुम फ्रेशन अप हो, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा उसे डैड कुछ याद है ना तो मुझे बताइएगा, मैं जल्दी से लिख लूंगा। क्या याद कर रहे हैं आपके डैड को? एक मजमून है, उसका टॉपिक है झूठे का मुंह काला। झूठे का मुंह काला, अरे इतना अच्छा टॉपिक है, वो मैं लिखवाती हूँ। आ जाओ डैड। हाँ जी, तो हमें लिखना है झूठे का मुंह काला। इस टॉपिक पे हमें ऐसे लिखना है, हम इसमें उन लोगों के नाम लिखेंगे जिनका आज तक मुंह काला हुआ है। वैसे अब तक कितने झूठों का मुंह काला हुआ है? अब तक तो किसी का भी नहीं हुआ। रायन मुझे तो ये टॉपिक ही गलत लग रहा है। मॉम आपने भी यही कहा है, डैड ने भी यही कहा था। अरे तुम्हारे डैड को क्या आता है, जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं टीचिंग करती हूँ। पूछा तो है, उर्दू में मजमून लिख रहा है। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, अगर ये मजमून इंग्लिश में होता ना तो मैं झट से लिखवा देती। हमारी मिस ने कहा है इस मजमून में झूठ के बारे में। झूठ? झूठ पर तो मैं तुम्हें बहुत कुछ लिखवा दूंगी। तो लिखवाए? हाँ हाँ लिखो। झूठ एक फन है जो हमारे न्यूज रीडर्स को बहुत अच्छी तरह बोलना आता है। ये देखो। हाँ ना, यही तो बता रही हूँ, लिखो ना जो जो बताती जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ना सबसे पॉइंट्स लेके ना उन सबको जमा करके मजमून बना लेता हूँ। परफेक्ट, बिल्कुल मुझ पे गए हो। मैं भी क्लास में यही करती हूँ, सारे स्टूडेंट से एक एक सेंटेंस लिखवाती हूँ और फिर उसका ऐसे बना लेती हूँ। इसमें आपका क्या कमाल है, मजमून तो सारे बच्चों ने मिलकर बना लिया ना, समझे? हाँ हाँ, लेकिन उसे कंपाइल तो करना होता है ना, तो मेरी टीचिंग पे फोकस करना बंद करो और ऐसे लिखना शुरू करो। तो लिखवाए और बताए ना। हाँ लिखो, झूठ के पाँव नहीं होते। हम झूठ पे लिख रहे हैं, लंगड़े के बारे में नहीं। अरे भाई रयान ये एक मुहावरा है, तुम वो लिखते जाओ जो मैं बताती जा रही हूँ। कौन सा मुहावरा है, किस लंगड़े ने झूठ बोला था जिस पर मुहावरा बन गया? मुझे नहीं पता, ऐसे लिखना है तो लिखो वरना मैं जा रही हूँ चावेस के पास। लिखो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा रयान है। लिखो। ओहो हो मेरी जान। बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। आपने कुएं में बैठ के की है ना गहरी बात, लेकिन आप तो सोफे में बैठे। बैठा नहीं, लेटा हुआ था, सो रहा था कि एकदम से दुश्मन के जंगी तैयारों ने बमबारी कर दी और मेरी आंख खुल गई। क्यों? लेकिन ये तो बहुत हमारे जमाने में ये नस्ल नौपैथी। वैसे आप घर में क्या कर रहे हैं आज? ऐसे बेटा यहाँ से गुजर रहा था, सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आपको अपना घर है, जितना मर्जी चाहे आराम करें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का एहसास दिलाने का, अब आप इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ से दफा हो जाइए और अपना ये बाजा भी अपने साथ ले जाइए। डैड आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम खराब कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप ऑफिस से जल्दी आ गए ना आज। गलती हो गई, आइंदा देर से आऊंगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। शट अप, गधा कहीं का, अपना ये बाजा लेके जाओ, दफा हो जाओ और कहीं और जाके होता मचाओ। इट्स नॉट बाजा, इट्स गिटार। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सू भी नहीं सकते, कौन से कौन बंद करो। आपी क्या है, जल्दी बोलो, मुझे होमवर्क करना है। मुझे भी करना है। हाँ तो तुम मुझसे इजाजत लेने आए हो? नहीं, हेल्प लेने आया हूँ। ओह कब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अपना होमवर्क खुद करना सीखो। जब तक आपकी शादी नहीं हुई। हे पागल हो गए हो क्या, ये बताओ काम क्या है? मुझे ऐसे लिखने, वो भी उर्दू में। हाँ उर्दू में ऐसे किस पे लिखना है?
रजिस्टर पे और किस पे लिखूंगा? बुद्धू मेरा मतलब किस टॉपिक पे लिखना है? टॉपिक झूठ। मतलब तुम्हारे ऊपर लिखना है? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। वेरी फनी बग्स बनी। खैर तुम तो बार बार पर झूठ बोलते हो, झूठ मत बोलो। मैं आप मेरी हेल्प कर रही हैं या नहीं? अच्छा उर्दू में ऐसे चलो ट्राई कर सकती हूँ। बस आप मुझे ना पॉइंट्स बता दे, मैं उसको नोट करता रहूंगा और फिर ना मैं उन सबको मिला के एक ऐसे बना लूंगा। पॉइंट्स बताने? बस अच्छा लिखो, झूठ बोले कौवा काटे। क्यों, कौवे को झूठ से नफरत है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं। अब देखो ना कौवे को तो उर्दू भी नहीं आती। ये बहुत बेकार पॉइंट है आपकी तरह, मुझे कोई और पॉइंट बताए। अच्छा चलो कुछ और सोचती हूँ। तुम भी सोचो, तुम्हारे सारे काम के मैं ही करूँ। सोचो। कुछ सोचा? क्या आपसे बेफजूल है? आपसे लिखो रायान झूठ बोलता है, रायान झूठा है, पूरा अपने ऊपर ही लिख लो। इससे बेहतर शान भाई है। तो जाओ ना अपने भैया के पास। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा मेरे पिता पापा को उठाते हैं। सजी सजी उठे तो मेरी बात तो सुने। क्या हुआ, क्या बात है? वो मैंने ना आलू की भुजिया बनाई है। बीना मुझे ये बताने के लिए नींद से उठा दिया तुमने? अरे नहीं, आप कहें तो आपको चिकन बना दूं। ओ भाई मुझे इंसान ही रहना है, मुझे चिकन के नहीं बनना है। बड़ी आई जादू करनी कहीं की। मैं पकाने की बात कर रही हूँ सजी। बीना बाय गॉड इस वक्त भी तुम मुझे पका ही रही हो, बल्कि पूरा घर मिलकर मुझे पकाया जा रहा है। क्या हो गया सजी आपको? मैंने सोचा आज आपका ऑफ है तो कुछ अच्छा बना लेते हैं। हाँ ये तो है, आज वाकई में कुछ अच्छा बना लो, क्योंकि बुरा खा खा के मेरा पेट मुस्तकिल तौर पे खराब हो गया है। अब आप मेरी कुकिंग की इंसल्ट कर रहे हैं। और आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। एनीवेज मैं चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, अगर आपको खानी हो तो खा लीजिएगा। और शावेस को पकड़े, इसे डकार दिलाए। जल्दी जल्दी, मुझे बहुत सारे काम है। बात तो सुनो बीना, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मुसीबत है? शावेस मेरा बच्चा डकार ले ले, डकार। मनाहिल रयान कोई है? क्या मुसीबत है? शावेस मेरा बेबी डकार ले लो मेरी जान। कैसे लेते लेना यार, कहाँ जा रहे हैं अभी? नहीं तो भाई मनाहिल रयान शान कैसे दोनों सो जाए, दोनों सो जाते आ जाओ सो जाते। ओहो रश के कमल तूने पहली नजर क्या हो गया? तुम्हें मैंने मना किया ना कि चलते हुए म्यूजिक में मत आया करो, जख्मी हो जाता बंदा। ये गिटार है या ट्रक? वेरी फनी बॉक्स बनी। यहाँ क्यों आई हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मॉम ने कहा है कि डैड आज घर पे है और वो कर रहे हैं सोने की कोशिश, तो काइंडली आप ऐसे बजाइए। मॉम से कहो ये गिटार है, कोई सीडी प्लेयर नहीं है जिसमें आवाज कम करने का बटन होगा। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि तुम बहुत बेसुरा गाते हो? मत बजाओ। इस घर में मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है, अगर मैं बाहर होता ना तो आग लगा देता, आग। हाँ हाँ, फिर तुम्हें दहशतगर्दी के केस में अरेस्ट कर लिया जाता। ओह हेलो हेलो, मैं अपने टैलेंट से आग लगाने की बात कर रहा हूँ, माचिस से नहीं। तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि तुम बहुत बेसुरा गाते हो? क्योंकि आजकल जो जितना बेसुरा है उतना हिट है। व्हाटएवर, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज से बता, क्योंकि डैड सोने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक काम करो, डैड को जाके हेडफोन्स दे दो जिसमें एक्स्ट्रा रुई लगी होनी चाहिए, क्योंकि शान बहुत जोर से गिटार बजाने वाला है। अरश के कमल तूने पहली नजर मजा 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 आ गया। गिटार बंद हो गया क्या? क्या आप गिटार की धुन पे झूम रहे थे? गिटार की धुन पे नहीं झूम रहा था, मेरा दिमाग घूम रहा था। आपका दिमाग क्या कानों के बीच में? क्यों, तुम्हारा घुटनों में क्या? डैड मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग घुटनों में इसलिए? नहीं, मुझे मजबूत लिखना है झूठ पर और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आप कर दें प्लीज। यार खुले पैसे नहीं, माफ करो। डैड मैं पैसे नहीं पॉइंट्स मांग रहा हूँ, पॉइंट्स। क्या कोई टूर्नामेंट जीतना है तुम्हें? अरे नहीं डैड, मुझे उर्दू में मजमून लिखना है झूठ पर, प्लीज लिखवा दें। तो यार इसमें क्या मसला है, लिखो झूठ जितना लिखना है लिखो यार। डैड कौन सा झूठ? इतने सारे झूठे हैं, चलो तुम लिखो। तुम लिखो कि पाकिस्तान फुटबॉल में आलमी चैंपियन बन गया। और क्या लिख सकते? हाँ, कराची से सारा कचरा उठ गया।
पाकिस्तानी पुलिस ने रिश्वत लेना छोड़ दी। फिल्म स्टार मीरा को हॉलीवुड की फिल्म में एज अ हीरोइन कास्ट कर लिया गया। क्या बताया आपने? और बताएं, मैं बहुत सारे लिख लेता हूँ। और लिखो, मैंने कल रात समंदर का सारा पानी पी लिया। रेत के साथ या रेत के बगैर? तुम्हें इससे क्या यार? और लिखो, तुम ये लिखो कि हमारे घर में सुकून ही सुकून है और जो चाहे वो गहरी नींद जब चाहे सो सकता है। डैड, ये झूठ है ना? हाँ है, तुम्हें लिखना भी तो झूठ पे ही है। और लिखो, तुम लिखो, तुम्हारी मॉम को दुनिया की हर चीज के बारे में नॉलेज है। तुम और लिखो, तुम लिखो, मनाहिल ने टॉप किया, शान दुनिया का बेस्ट सिंगर बन गया और रयान यानी कि तुमने अपना होमवर्क खुद कंप्लीट कर लिया। अब जाओ, मेरी जान छोड़ो। ये कुछ ज्यादा झूठ नहीं हो गया? जाओ जाओ, सोने दो, जाओ। तुम्हारे डैड हमसे भी ज्यादा सोचते हैं। चल, मैं तुझे कहूंगा। कोई फायदा नहीं, मैं मॉम से करूंगा। सोने दे मुझे गधे। सोचते हैं आप? और तुम मोटे हो। सुस्त। मोटे। सुस्त। मैंने कान बंद कर लिए, मुझे आवाज ही नहीं है। रयान लिखो, हमारे मुल्क में बिजली और पानी की लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। हाँ, और ये भी लिखो कि हमारे पास इतनी बिजली आई कि हमने पड़ोसी मुल्क को ट्रांसफर कर दी। और अब लिखो कि तुम्हारे डैड को वजीरे पानी और बिजली बना दिया गया। फिर तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा, ना बिजली होगी ना पानी। रयान, वैसे अब तो काफी पॉइंट्स हो गए तुम्हारे पास, आगे कैसे खुद लिखो? बिल्कुल ठीक कह रही है मनाहिल, अब सारे पॉइंट्स को जमा करो और मजमून की शक्ल दो। मजमून की शक्ल? अपने बड़े भाई जैसा होता जा रहा है, निकम्मा, कामचोर, निखट्टू। और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें भी इनकी फहरिस्त में शामिल होना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ बस देखे, हो ही गया, सारा हो गया। ये तुमने लिखा है? इससे अच्छा तुम लिखते ही मत। मेरा मजबूर वापस करे सर भैया। क्यों? अगर ना करूं तो? अबे अच्छा अच्छा यार, ये बहुत फनी है। अरे अरे, मेरा मजबूर वापस करे वरना। ना करूं तो क्या कर लोगे? मैं मान रहा हूं। क्यों इतना शोरगुल कर रहे हो तुम लोग? क्यों इतना उधम मचाया हुआ है? अब जरा इसको पकड़े, मैं दोनों की खबर लेती हूँ। रयान शान, क्या प्रॉब्लम है? मम्मी मेरा मजबूर नहीं दे रहा। शान, वो इसे। मॉम, ये बहुत फनी लिखा हुआ है, इसे मजबूर नहीं लग रहा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, हमारे घर में बहुत अमनो अमान और सुकून है। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो रयान। शर्जील, आप ना आराम से लेट जाए, मैं लोगों को ले जाती हूँ। मॉम मॉम, पहले ये सुन के जाए। ये लो, पढ़ो पढ़ो। मैंने ये मजमून बहुत मेहनत से लिखा है, बहुत मेहनत से। हैं? मेहनत? इसकी मेहनत? हमने की थी मेहनत, सारे पॉइंट्स तो हमारे हैं। मिनाइल, चुप करो। रयान, तुम ना मजमून सुनाओ। शर्जील, आप आराम से लेट जाए, शावेस को मुझे दे दो। मैं लेट ही ना जाऊं। मैं सुनाने लगा मजमून। उन्वान है झूठ का मुंह काला और लिखा है, हमारे मुल्क में जो काला है उसका भी झूठ से मुंह काला है। मेरा भाई बेसुरा बेताला है और मेरी बहन आफत की पर काला है। सॉरी सॉरी सॉरी, रयान, कंटिन्यू। क्योंकि झूठ का मुंह काला है। मेरे डैड मुल्क के वजीर बन गए, उनके पास पानी और बिजली का महकमा है और मुल्क में बिजली है ना पानी। मेरी मॉम रोशनी का उजाला है, पड़ोस ने एक खूनखार कुत्ता पाला। कभी घर आओ, अम्मी ने चाय डाला है, झूठ का मुंह काला है। बहुत हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शावेश की वजह से पूरी रात का जागा हूँ, इसीलिए मैं ऑफिस से भागा हूँ ताकि घर से आके सुकून से सो सकूँ। पर ये घर कहाँ है? ये तो एक सर्कस है, पूरा चिड़िया घर है। शर्जी, खाना तो खा के जाए ना प्लीज। आप लोग खुद ही खा लीजिएगा, मैं ऑफिस में जाके सुकून से सो तो सकूंगा। शर्जी, मॉम ने अचार डाला है। झूठ का मुंह काला है।
Oh, my God.